मथुरा लोकसभा के पूर्व सांसद वर्तमान राज्यसभा सांसद चौधरी तेजवीर सिंह जी ने विजयदशमी की दी शुभकामनाएं। वहीं हरियाणा में सरकार बनने पर सैनी की करी जमकर तारीफ। वहीं राज्यसभा सांसद ने बताया, मोदी जी के निर्देश पर पूरे देश में सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम फिर दोबारा से हर राज्य में आ रहे हैं। 2047 तक विश्व गुरु कहलाएगा भारत। राहुल शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन सुषमा ठाकुर के साथ। पूर्व सांसद रहे वर्तमान राज्यसभा सांसद श्री चौधरी तेजवीर सिंह साहब। चौधरी साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आज विजयदशमी का पावन पर्व है, क्या कहेंगे आप अपने मथुरा जिले की सरदारी को? आज विजयदशमी का पर्व ये प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। हमारे हिंदू समाज इसे पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज मथुरा में भी शाम को भव्य रूप से इसे मनाया जाएगा। काफ़ी संख्या वहाँ रामलीला मैदान में रहती है और लोग देखते हैं। एक जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसके बारे में भी जानकारी लेती है और किस तरह से भगवान राम ने रावण का खात्मा किया था। जो असुरी शक्तियाँ हैं वो पराजित होती हैं, वो सब भी दिखाया जाता है इसमें मंच के माध्यम से। मैं आज के पावन दिन पर सभी मथुरावासियों को, सभी उत्तर प्रदेश वासियों को और बाहर से जो देश से पूरे से श्रद्धालु मथुरा में आते हैं, वृंदावन आते हैं, उन सबको इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सांसद जी, एक लास्ट सवाल और है आपसे हमारा। जैसे कि आपकी हरियाणा में सरकार बनी है और पहले आपको वैतरणी का सहारा लेना पड़ता था सरकार बनाने में, कभी JJP तो कभी अन्य दल का सहारा लेना पड़ता था, इस बार आप लोगों ने ऐसा क्या चमत्कार करके दिखाया जो आपको बिना सरकार बिना सहारे के आप सरकार बना रहे हैं? देखिए, मोदी जी की नीतियाँ, प्रधानमंत्री जी के किए हुए जनहित में कार्य और जो सबको देश की जनता जान चुकी है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज हम पूरे विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं और 2027 तक हम विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मोदी जी का सपना है 2047 तक भारत विकसित भारत के रूप में स्थापित हो और पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने वाला देश हो विश्व गुरु के रूप में। ये इसलिए मोदी जी की लोकप्रियता आज पूरे विश्व में जो है उसका सुखद परिणाम है कि आज हम स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाए हुए और सभी सर्वे फेल हुए। हमें कोई 20 बताता था, कोई 25 बताता था, लेकिन हम 48 सीट लेकर स्पष्ट बहुमत की सरकार बना रहे। ये मोदी जी की लोकप्रियता का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने ये भी शब्द कहा है कि इनके पास तो भाजपा वालों के पास हरियाणा में कोई भी दूल्हा नहीं है, अब ये दूल्हे को तैयार कर रहे हैं और अब उनको दूल्हा भी नहीं मिल रहा है। जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का। किसने कहा है? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने कहा है। देखिए, हमारे पास नायब सिंह सैनी इस समय मुख्यमंत्री है, अब इससे ज़्यादा प्रत्यक्ष उदाहरण और क्या मिल सकता है कि उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ और जनता ने उनके कार्यों को सराहा। तो मुख्यमंत्री की लोकप्रियता की वजह से ये हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि सरकार बनाने की स्थिति में है और मोदी जी का जिस तरह से मार्गदर्शन पूरे देश में हर प्रदेश में मिलता है चुनाव, वो हमारी वैतरणी को पार कराता है क्योंकि इतनी लोकप्रियता किसी विश्व के किसी प्रधानमंत्री की नहीं। आप सब देख रहे हैं News 24 फर्स्ट टेक प्रदेश खबर चैनल। हमारे साथ जुड़े हुए थे मथुरा लोकसभा के पूर्व सांसद वर्तमान राज्यसभा सांसद श्री चौधरी तेजवीर सिंह, कैमरामैन सुषमा के साथ राहुल शर्मा। पल पल की खबर, हर पल की खबर।